हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो। माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस के नीचे बहुत सारे ये कमेंट्स आते हैं कि मैम आप हमें अपनी सैलरी के बारे में बताइए, सैलरी के सिवाय आपको और क्या क्या बेनिफिट्स SBI में मिलते हैं इस बारे में बताइए। तो मैं सैलरी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आई होप आपने देखी होगी। इनकेस आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द सैलरी ऑफ SBI जूनियर एसोसिएट। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस बारे में बात करने वाली हूँ कि सैलरी के सिवाय और कौन सी इनकम हमें SBI से होती है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमें सैलरी कितनी मिलती है, तो उसको मैं फिर से नहीं बताऊँगी। अभी मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये भी मैं पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है एंड न्यूज़पेपर अलाउंस दिया जाता है 360 ईच। तो 360 फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड 360 फॉर न्यूज़पेपर अलाउंस, तो ये दोनों मिला के हो जाते हैं 720 रुपीज़। ओके, देन इसके सिवाय हमें पेट्रोल के पैसे दिए जाते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हो तो आपको 600 पर मंथ मिलता है, एटलीस्ट इन माई एरिया। आई डोंट नो इफ इट इज़ डिफरेंट इन अदर एरियाज़। और अगर आप अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय कार और बाय एनी टू व्हीलर, तो आपको 20 लीटर्स पेट्रोल के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें ये एक ज़रूरी बात है कि वो जो जो भी आपका व्हीकल है उसकी RC आपके नाम पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पेट्रोल के पैसे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी RC अपलोड करनी होती है। हमें बताना होता है इफ़ वी ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाय पर्सनल ट्रांसपोर्ट, तो अगर हम उसमें पर्सनल डालते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी RC जो है वो अपलोड करनी पड़ती है, और ये प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है कि वो RC हमारे नाम पे होनी चाहिए, तभी हम पेट्रोल के जो पैसे हैं वो ले सकते हैं। तो इन केस ऑफ जूनियर एसोसिएट 20 लीटर्स पेट्रोल के पैसे हमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे एरिया में पंजाब में पेट्रोल के रेट्स जो हैं अबाउट 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट बिकम्स 2000। तो 2000 रुपीज़ अगर हम पेट्रोल के लेके चलें 360 फॉर न्यूज़पेपर अलाउंस एंड 360 फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये टोटल बन जाता है 2720। ओके, तो अदर देन सैलरी दिस इज़ बीइंग गिवन टू अस बाय SBI। इसके सिवाय कुछ और पेमेंट्स भी हमें बैंक के द्वारा की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से एक है कैश रिमिटेंस। अगर हम कैश रिमिटेंस के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी बैंक हमें पैसे देता है। तो जो भी क्लरिकल जाता है साथ में, उसको उस दिन का जो भी उसका हॉल्टिंग रेट होता है उसका हाफ पे किया जाता है अगर आपको 4 घंटे से कम लग रहे हैं। आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू फ्रेंड्स। हम लोग कैश लेने जाते हैं तो एक क्लरिकल स्टाफ को साथ में जाना होता है। सपोज इफ आई एम गोइंग, अगर 4 घंटे से कम लगता है तो हमें हॉल्टिंग रेट का हाफ जो है वो पे किया जाता है। अगर 4 घंटे से ज़्यादा लगता है तो हमें उस दिन का जो हमारा कंप्लीट हॉल्टिंग रेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब हॉल्टिंग रेट क्या होता है? हॉल्टिंग रेट बैंक द्वारा फिक्स किया गया एक ऐसा रेट होता है कि अगर कोई भी पर्सन डेप्यूटेशन पे जाता है या फिर कैश लेने जाता है या फिर ट्रेनिंग के लिए जाता है, बैंक की तरफ से किसी भी काम के लिए बेसिकली आप जाते हो, तो उस दिन आपको कितना पे किया जाएगा वो होता है हॉल्टिंग रेट। अब आप जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह के हिसाब से हॉल्टिंग रेट अलग अलग हो सकता है। तो हमारे एरिया में हॉल्टिंग रेट है 675, तो उसका हाफ लगता है क्योंकि हमें 4 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं लगते, तो उसका हाफ हमें मिलता है, दैट इज़ 337.5 पर डे इफ़ यू गो टू टेक कैश। ठीक है, अगर कैश लेने हम एक दिन जाते हैं तो हमें उसका 337.5 जो है पे किया जाता है। अगर देखिए हम मंथ में अगर एटलीस्ट अगर हम 5 times भी जाएं तो इट इज़ अबव 1500। तो अगर हम ऑन एन अप्रॉक्सीमेट बेसिस लेके चलें तो 2500 हो गया पहले और देन 1500 हो गया ये, तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 जो है ये हो जाता है आपकी सैलरी के सिवाय जो आपको बैंक पे करता है। ठीक है, नाउ इफ़ यू डोंट गो फॉर कैश ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट पेड। अगर आप ज़्यादा दिन कैश लेने जा रहे हो तो आप उस हिसाब से आपको पेमेंट हो जाती है। देन ये आपको HRMS में अप्लाई करना होता है। जब भी आप कैश लेने जाते हो आप वापस आके अप्लाई कर देते हो और उसके बाद जो आपके मैनेजर हैं वो अप्रूव करेंगे एंड देन यू विल गेट पेड फॉर दैट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो को बीच में काट रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गाइडली का ऑफ़र चल रहा है। 600 रुपीज़ में PDF कोर्स मिलेगा बोथ फॉर प्री एंड मेंस। बहुत ही अच्छा ऑफ़र है।
पीडीएफ कोर्सेज में क्या होता है कि आपको डेली एक स्केड्यूल के हिसाब से पीडीएफ्स भेजे जाते हैं, जिसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। हर सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ अ विन विन सिचुएशन इन माई नॉलेज, क्योंकि 600 रुपये में आपको प्री प्लस मेन्स दोनों के लिए मिल रहा है। तो दिस ऑफर इज़ वैलिड फॉर 17th and 18th of June। तो प्लीज़ गो हरी अप एंड परचेज इट। आप लोग अगर चाहें तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ PARUL12। दैट्स इट। चलिए अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने उन चीज़ों की बातें कर ली जो कि रेगुलर हैं, जो कि हर मंथ होती हैं और वी गेट पेड फॉर दीज थिंग्स एवरी मंथ। अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी हमें और पेमेंट दी जाती है, दैट इज़ व्हेन वी गो फॉर ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा कि जब हम ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं तो भी हमें बैंक पे करता है। बैंक की तरफ से हम मीटिंग के लिए जाते हैं, किसी सेमिनार के लिए जाते हैं, फॉर ईच एंड एवरीथिंग बैंक पेज अस। फ्रेंड्स, मैंने जब अपने चैनल पे वीडियो डाली थी अबाउट द ट्रेनिंग दैट आई वेंट ऑन, मैं पटियाला गई थी, हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग थी। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे ये कमेंट किया था कि मैम, ये 15 दिन की जो ट्रेनिंग है इसमें आपको सैलरी दी जा रही है और आपकी या इस दिन सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इन दिनों में कोई काम नहीं किया है, तो इट इज़ अ वैलिड डाउट कि इस दिन सैलरी मिलती है या नहीं मिलती। तो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस फ्रेंड्स कि सैलरी पूरी मिलती है। हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग थी, तो जब हमारी सैलरी आई थी तो फुल 30 डेज की सैलरी हमें दी गई थी। उसके सिवाय हमें बैंक एक्स्ट्रा पे करता है, क्योंकि हम बैंक की तरफ से किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो वो पेमेंट इस तरीके से रहती है कि जो भी आपका हॉल्टिंग रेट है, अब हम पटियाला गए थे ट्रेनिंग के लिए तो पटियाला का हॉल्टिंग रेट दैट इज़ 900, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट की गई थी। तो इसमें ऐसा रहता है कि जो फर्स्ट डे और लास्ट डे होता है उसकी आपको फुल पेमेंट मिलती है, जितना हॉल्टिंग रेट है, लाइक इट वॉज 900 इन माई केस। तो 900 हमें पेमेंट की जाती है फर्स्ट और लास्ट डे के लिए, और बाकी के जितने दिन बचते हैं उतने दिनों के लिए हमें 1/4 पे किया जाता है, क्योंकि अकोमोडेशन भी बैंक द्वारा दी गई है, फूड भी बैंक ही दे रहा है, तो हमारा कोई भी एक्सपेंस वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए बाकी के दिनों के लिए हमें 1/4 पे किया जाता है। फर्स्ट और लास्ट डे के लिए हमें फुल पेमेंट दी जाती है। इसके सिवाय जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे बस में कितनी टिकट लगी वो भी हमें उसमें डालना होता है, वो भी हमें पे कर दी जाती है, जाते टाइम की अलग से, आते टाइम की अलग से। फिर अगर हम बाय बस गए हैं तो हमने टैक्सी ली होगी वेन्यू तक जाने के लिए, तो उस टैक्सी का चार्ज भी जो है वो भी हमें बैंक द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, तो ये सेम फॉर द अगर हम किसी सेमिनार के लिए, किसी मीटिंग के लिए कहीं भी अगर बैंक द्वारा जा रहे हैं, जो कि मैं अभी तक नहीं गई हूँ पर्सनली, लेकिन ट्रेनिंग पे मैं गई हूँ, दैट आई नो इट वेरी वेल। तो जिस जगह पे हम ट्रेनिंग के लिए गए हैं उधर के हॉल्टिंग रेट के हिसाब से हमें पे किया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। मेरा भी ये हमेशा डाउट रहता था कि 15 दिन की सैलरी तो नहीं कटेगी, क्योंकि हम ट्रेनिंग पे हैं, हम ऑब्वियसली बैंक में काम नहीं कर रहे, तो इट इज़ नथिंग लाइक दैट। बैंक जो है वो कभी भी हमारी किसी चीज़ के लिए पेमेंट डिडक्ट बहुत कम करता है, मोस्टली हमें हर चीज़ के लिए अलग से पे करता है। तो सेम हैपेंड विद मी व्हेन आई वेंट फॉर द ट्रेनिंग। बस के जाने के पैसे, बस से आने के पैसे, टैक्सी लेने के, जाते टाइम, आते टाइम, वहाँ रहने के पैसे, ईच एंड एवरी थिंग वॉज पेड बाय द बैंक टू अस। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर योर डाउट्स फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे, तो दिस इज इट। अभी तक मेरे को बैंक से जितनी पेमेंट्स मिली हैं, मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, एंड आई रियली होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है और आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं। इसके सिवाय अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। आई होप द वॉइस क्वालिटी वॉज बेटर इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।